बात हम कर रहे हैं सुलह की अदालत की, यानी कि लोक अदालत की, जो कहती है कि न्याय सबके लिए है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का तत्वाधान, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन, प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपसी समझाइश और सुलह से केसेस का निस्तारण किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन है, क्योंकि 10 बजे वो वक्त दिया गया था जब से लोक अदालतों का आयोजन शुरू होना था, और उसी के साथ कई मामलों का निस्तारण इन अदालतों के जरिए सुलह के द्वारा, समझाइश के द्वारा होना है। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी जोधपुर और जयपुर से जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं जयपुर से कमलकांत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का ही रुख करना चाहूंगी। कमलकांत, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज न्यायिक जगत के लिए बेहद खास दिन है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। कुछ ही देर में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अखिल कुरैशी साहब कुछ ही देर में विधिवत रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल कमलकांत, तस्वीरें हम मंच की देख पा रहे हैं, मंच को सजाया गया है। कितना और इंतजार? जी कुछ ही देर में चीफ जस्टिस अखिल कुरैशी राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। रालसा के चेयरमैन जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी भी पहुंच चुके हैं। चलिए कमलकांत, बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करना चाहेंगे सहयोगी शिव प्रकाश का। तो शिव प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तस्वीरें जोधपुर में नजर आ रही है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर में अभी कुछ देर पहले ही जस्टिस विजय बिश्नोई ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। जोधपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ 5 बेंच का गठन किया गया है और लगभग 1600 मामले हैं वो इसमें चिन्हित किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 31 बेंच गठित की गई है। हमारे साथ जो सचिव हैं डॉक्टर प्रभात जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, लोक अदालत के जोधपुर में कितने जो बेंच, किस तरह से प्रयास किया जाएगा कि यह अदालत सफल हो? ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के निर्देशानुसार समस्त देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और इसी क्रम में संपूर्ण राजस्थान में रालसा, राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार लोक अदालत आयोजित की जा रही है। और इसी संदर्भ में हम उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमने आज यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 5 बेंचों का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण कर रहे हैं, और इसमें हमने लगभग 1500 प्रकरण चिन्हित करके रखे हुए हैं। और इसमें प्रयास ये रहेगा कि पक्षकारों की आपसी समझाइश, आपसी राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण हो सके, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके और साथ ही लोगों के संबंधों में खटास ना आने पाए। क्योंकि लोक अदालत से जो प्रकरणों का निस्तारण होता है वो दोनों पक्षों की सहमति से होता है, दोनों पक्षों की सुविधा उनकी समझाइश से होता है, और इसमें विशेषकर पति पत्नी के जो विवाद हैं, संपत्ति के विवाद हैं, पारिवारिक झगड़े हैं, और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के जो बहुत सारे मिसलेनियस अपील्स हैं, उन सबको हमने रखा है। और इसमें दोनों पक्षों को जल्दी से जल्दी उनके प्रकरणों के निस्तारण होगा और उनके आपसी रिश्तों की मधुरता बनी रहेगी, ताकि समाज का सामंजस्य भी बना रहे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस लोक अदालत में भी हर बार की तरह हम अधिक सफलता पाएंगे, अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण होगा और लोगों को शीघ्र न्याय मिल पाएगा। तो देख सकते हैं कि उनका सचिव हैं प्रभात जी, उनका कहना है कि यह अंतिम लोक अदालत इस साल की है और लगातार ये प्रयास होते रहे हैं कि जो भी मामले लंबित हैं, खासतौर से जो पारिवारिक मामले हैं, संपत्ति से संबंधित मामले हैं, क्लेम से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों का निस्तारण किया जाए। और अब तक 3 लोक अदालतों में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है, और उम्मीद की जा रही है कि आज की जो ये लोक अदालत है उसमें भी अधिकांश मामलों का निस्तारण होगा और लोगों को इस लोक अदालत के माध्यम से राहत दिलाई जा सकेगी। जी बिल्कुल। शिव प्रकाश, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, कितने दिन तक इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? जी
जी, लोक अदालत का आयोजन केवल आज ही होगा, जो है हर 3 महीने बाद द्वितीय शनिवार को यह आयोजन होता है। हालांकि हम जानने का प्रयास करेंगे सर, जो 3 लोक अदालत हुई हैं, लगभग कितने मामलों का निस्तारण इन लोक अदालतों के माध्यम से हुआ? इसके पहले जो लोक अदालतें हुई हैं उसमें कुछ प्रभाव कोरोना की विशिष्ट परिस्थितियों का था, जिसकी वजह से हमें वो लोक अदालतें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करनी पड़ी। चूँकि अभी अत्यंत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट फैसिलिटी और इस तरह का प्रचार प्रसार कम है, सुविधा कम है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण तो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अब तक आयोजित जो लोक अदालतें हैं उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यमों से लगभग 1,000 प्रकरणों का निस्तारण हम कर चुके हैं, और इसी तरह से इस लोक अदालत में भी अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण की पूरी उम्मीद है। तो देखिए, 1,000 से अधिक प्रकरण निस्तारण किया जा चुका है, क्योंकि हम सभी ने देखा है कोरोना काल था, 2 अदालतों का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया तो उतनी आसान और सफलता नहीं मिली। हालांकि इस बार पूरा जोर लगाया गया है, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार किया गया है, विभिन्न फोन के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम है, सभी ने देखा कि कितना मुश्किल दौर था कोविड का, और उसकी वजह से हर चीज रुक सी गई थी। आप बने रहिए हमारे साथ, अब सहयोगी रवि का रुख कर लेते हैं जो उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर की किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, कितने पेंडिंग केसेस हैं जिनका निपटारा इन लोक अदालतों के जरिए होना है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन हो रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे इस तरफ की किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो परिवादी हैं वो यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से पहले प्री काउंसलिंग की जा रही थी, जिसमें कि जो दांडिक शमनीय जो अपराध हैं उनमें, जैसे कि बिजली, पानी और जो किराए और ऐसे ही कई सारे प्रकरण जो हैं जो लंबित थे, उनको उनके समुचित निस्तारण को लेकर प्री काउंसलिंग की गई, जिसमें जो परिवादी हैं इसके अलावा जो अधिवक्ता हैं उन तमाम लोगों को एक साथ एक मंच पर लाया गया। और आज ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवादी हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, उनके कई सारे प्रकरण हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। आप राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आए हैं, क्या प्रकरण है आपका जो लंबित था? ये इसकी क्या है कि किस्त ड्यू चल रही थी मेरे, और मेरे फादर का एक्सपायर हो गए थे और गाड़ी उनके नाम पे ही थी, तो किस्त नहीं चुका पाए, तो उसके लिए नोटिस आया था लोक अदालत का, उस मैटर में आए हैं। कितने साल से पेंडिंग था मामला? ये तो 6 महीने की किस्त ड्यू है, पिछले 6 महीने की। तो देखिए, कई तरह के ऐसे मामले हैं जो कि प्री काउंसलिंग के जरिए जिनमें चर्चा हो गई थी और आज इनका निस्तारण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लोगों को, जो परिवादी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, लंबित जो प्रकरण है और ऐसे प्रकरण जो कि इजीली काउंसलिंग के जरिए जिनका निपटारा हो सकता है, ऐसे तमाम प्रकरणों को इस लोक अदालत में आज रखा जाएगा और इनका निस्तारण किया जाएगा। बिल्कुल, कोशिश और कवायद भी रवि यही रहती है कि समझाइश के जरिए लोक अदालतों में जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो। तो अब ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की केसेस उदयपुर में ज़्यादा आए हैं, पारिवारिक मामले ज़्यादा हैं, चेक बाउंस से जुड़े मामले ज़्यादा हैं, ऋण से जुड़े मामले ज़्यादा हैं, किस तरीके के मामले ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, देखिए मामले अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जो लोक अदालत का बड़ा मकसद है, चूंकि देश भर में जो कोर्ट्स हैं उनमें जिस तरह की ऑलरेडी चर्चाएं हो चुकी हैं कि स्टाफ की कमी है, न्यायिक अधिकारियों की कमी है, और ऐसे में केस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको उनमें ये आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो कि शमनीय हैं, जिनमें कि प्री काउंसलिंग के जरिए जो दोनों पक्ष हैं उनको बिठा कर उनका निपटारा किया जा सकता है, चाहे दहेज प्रताड़ना से जुड़े हुए मामले हों, बिजली, पानी और किराया बाद, इसके अलावा ऋण जो है, ऐसे तमाम तरह के प्रकरण जो कि लंबे समय तक चलते हैं, दोनों पक्ष जो है उससे प्रभावित रहते हैं, परेशान होते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उनको समझाइश के साथ, आपसी राजीनामे के साथ में बिठा कर। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब जयपुर का रुख कर लेते हैं, वहाँ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कार्यक्रम के जरिए, शुरुआत लोक अदालतों। जहाँ तक संभव हो समझौते के माध्यम से इसका निराकरण करा सके। दिनांक 8/12/2021 को प्रत्येक जिला मुख्यालय
एवं पंचायत स्तर पर भी साइकिल और पैदल रैलियां आयोजित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का विशेष प्रयास किया गया है। वर्ष 2021 में क्रमशः जुलाई और सितंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। 10 जुलाई 2021 को आयोजित लोक अदालत में 706 बेंचों का गठन किया जाकर 2,79,979 प्रकरण रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 76,138 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। 11 सितंबर को जो दूसरी हुई थी उसमें लगभग 739 बेंचों का गठन किया गया, 3,61,796 प्रकरण रिकॉर्ड किए गए और 81,136 प्रकरणों का निस्तारण हुआ। इसी प्रयास को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। इसके अंतर्गत इस बार 893 बेंचेस का गठन किया गया है और कुल 3,66,442 प्रकरणों को विभिन्न लोक अदालतों में लगाया गया है और 5 बेंच का गठन उच्च न्यायालय की जो मुख्य खंडपीठ है जोधपुर, वहां किया गया है। 1,527 प्रकरणों को वहां रेफर किया गया है।